एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए 31 जनवरी 2021 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ, इसका जो है संस्कृत पेपर है, ठीक है। ये सेट जो हो गया, जे हो गया, और पेपर 1 to 5 है, ठीक है। तो इसमें संस्कृत भाषा जो हम देखेंगे दूसरा लैंग्वेज है, ठीक है। इसको ध्यान देना है आपको, संस्कृत भाषा दूसरा लैंग्वेज है। तो चलिए इसका आंसर का हम मिलान कर लेंगे, इसमें क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए इस पैसेज को अगर पढ़ेंगे तो इसी पैसेज के तर्ज पर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इससे आंसर दे सकते हैं इसमें खोज खोज कर। इसमें पहला हो गया दुर्बलकाय मनुष्य कथम आसीत, तो इसका आंसर जो हो जाएगा निर्धन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भगवत आदेशं दुर्बलकाय मनुष्य कति दिनामी शिला नोदम अकोरोति, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दुर्बल जनियन शिला देखा है, अगर इसका आंसर आप देख लीजिएगा तो इसका आंसर जो है आपको पैसेज में मिल जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है शक्ति शक्तिहीनता कारम स दुर्बल कियं न प्रायोन्यति अस्म, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, भृति काश्य का भृति कायम, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निर्धन इति पदस्य विग्रह कथम स्यात, ठीक है। तो इसका आंसर जो 1 हो जाएगा, निशेषण धनम यस्य स, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिला नोदनु कुरु इति कस्य कृते निर्देश आसित, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, दुर्बल कस्य पुरुषो कृते, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है स नितरांग खिन्न इति वाक्य नितराम इति अव्यस्त क अर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सर्वदा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अलचिंतया इति वाक्य अभिप्राय, जो इसमें जो है इसका आंसर जो हो जाएगा चिंता न करु, ठीक है। चिंता न करु, इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 129 नंबर का 128 हो गया। इसके बाद देख लीजिए, ये पदांश है, ठीक है, और इसके अनुसार हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 129 का देख लीजिए, कह रहा है पुत्र बोधयितु पितृवाणी कृदंश्य आसीत, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 होगा, हृदय स्पर्शी का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अदा माया किं कृतम इति कस्य मनसि विचार प्राचलत, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर होगा, अनुजाय। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भोक्तु इच्छा इच्छा इत्यथि की पदम अद्र प्रयुक्तम, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये 3 नंबर हो जाएगा, बुभुक्षा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जल जलपनादिकं तेन न कृतं मया सह इति वाक्य कश्चिम वाच्य लिखितम, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर, कृतवाच्य, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 133 नंबर में कह रहा है गृह भोजनस्य न खादित्य कह बही अगछत, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पुत्र, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिए, यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपाविश तथा पुत्र की दृश्य आसित, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दुखित, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुत्र भोजनस्य न कृतवान इत्या माता कृदर्शी आसित, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर, जलमपी न पीतवा आसित। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देख लीजिए भाषा पेटागोई का आ गया संस्कृत में पहला, इसमें जो है क्वेश्चन, लेखनाथम बालम अध्यापनस्मे शिक्षा रूपेण भवत की करियस्यति, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, स्वविचारं लेखितु बालकेभ्य अवसर दायाति, ठीक है, अवसर देने की बात कह रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 137 नंबर कह रहा है, छात्राणां कृते एकाम अध्यापन सामग्री, ठीक है, चिनोतुम अधो गतेषु की सर्वतो महत्व, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो इसका 38 का जो हो जाएगा 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 139 का देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा, 139 को होगा निगमन विधि हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 140 नंबर में क्या कह रहा है, 140 नंबर आप देखेंगे, विद्यार्थी भाषायां अधिग्रहण कुर्वंती का जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। सहज विका विन ये जो आंसर हो गया 4 हो जाएगा। इसके बाद है 141 का देख लीजिए, फाइन मोटर स्किल वाला जो है इसमें जो लेखन, इसका आंसर जो हो जाएगा लेखन हो जाएगा, ठीक है, लेखनम। इसके बाद 142 नंबर का देख लीजिए,
इसका 142 का जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। स्वभाषायां काशा नाम नमामि लिखत, ठीक है। इसके बाद 144 43 देख लीजिए, 143 का जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 144 का जो आंसर हो जाएगा श्रवण समय गतिविधि है, यानी 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 145 का जो हो गया, 145 का आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। इसके बाद 146 का देख लीजिए, 146 का जो आंसर हो जाएगा, 146 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा, वाक्यानाम निर्माणम, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है, अगला 147 का जो आंसर हो जाएगा वार्तालापा हो जाएगा, ठीक है, इंटरेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 148 में कह रहा है बालकस्य भाषा अधिग्रहण अध्ययनस्तु कस्य भूमिका सर्वोत्तम महत्व, तो परिवार जो है प्रमुख महत्व भाषा सीखने में महत्व निभाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 149 का जो आंसर हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, और 150 में देख लीजिए भाषाया अधिगमस्य कृते की न महत्वपूर्ण, कौन महत्वपूर्ण है, तो अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप मिला सकते हैं संस्कृत का आंसर की। धन्यवाद।